गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो ये मेरी चली हुई है क्लीनिंग रूटीन, क्योंकि आज है मृदुल का बर्थडे डे, है संडे और डेट है 23 फरवरी। तो कल का दिन आपको पता ही है कि सारा का सारा शॉपिंग में ही निकल गया था, और मैंने ना घर की साफ़ सफाई भी नहीं की थी अच्छे से। तो बस सुबह उठते ही ना सबसे पहला काम आज मेरा यही रहा, और धूप भी हल्की हल्की लग गई है। हल्की हल्की क्या, अभी तो तेज़ वाली ही लग गई है। तो बस ये क्लीनिंग का मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ी छोटी सी पार्टी है, बहुत ज़्यादा बड़ी तो नहीं रखी है हमने, लेकिन मतलब अपने घर के जो हमारा परिवार थोड़ा बड़ा है, डैडी जी के 6 भाई हैं तो वो सारे बुलाए हैं, साथ में मेरे मायके वाले हैं, मेरी ननद है, तो वो सारे आएंगे, इसलिए फिर सारे घर को टीच करना भी ज़रूरी है। तो हाँ, बहुत ज़्यादा डीप तो मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि खाना भी मैं खुद से ही बनाने वाली हूँ, मैं अकेली नहीं, पतिदेव भी पूरी पूरी हेल्प करेंगे। तो उससे पहले फिर हम ये साफ़ सफाई का ही काम कर रहे थे। पहले मैंने बाहर वाला जितना भी एरिया था वो क्लीन किया, इसके बाद फिर ये अपने रूम में मैं पहुँच गई हूँ। और यहाँ पर भी आपको बात बताऊँ तो कल का मतलब कुछ भी मैंने काम नहीं किया था, लेट हो गए थे बहुत ज़्यादा, जैसे कि आपने ब्लॉग में ही देखा ही होगा। तो फिर बिल्कुल भी नहीं बचा था टाइम मेरे पास, इवन मैं रात को किचन का भी क्लीन करके ही सोती हूँ, तो वो भी बच गया था, मैंने नहीं किया था, इतने ज़्यादा थक गए थे। क्योंकि जब हम इस तरह से शॉपिंग वगैरह के काम करते हैं ना, तो चलने फिरने में ही बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। और यहाँ पर मैं बात बताऊँ तो बहुत ही बुरी हालत हो रखी थी एक्चुअली। ये जो शीशे हैं ना, बच्चे बार बार इन पे हाथ मारते रहते हैं, डेली भी अगर साफ़ करें ना तब भी ये ख़राब हो ही जाते हैं, लेकिन अभी तो 3-4 दिनों से मैंने नहीं साफ़ किए थे, रियलिटी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बस ये फिर मैंने अच्छी तरह से घिस घिस के सारे इधर उधर, और होता ही है ना जब घर पे, चाहे इससे भले ही ज़्यादा बड़ी पार्टी ना भी हो ना, तब भी फिर जितने भी लोग आते हैं तो अच्छे से क्लीन करना ज़रूरी हो जाता है। तो अभी बच्चों ने मचाई हुई है धमाल, और जैसा कि आपको मैंने दिखाया ही था कि अभी टीवी भी यहीं पे लगा दिया है हमने, बड़ी वाली स्क्रीन। तो मतलब स्टार्टिंग में सबको शौक रहता है, तो आजकल सबका डेरा यहीं पे जमा हुआ है। डैडी जी भी काफ़ी देर तक यहीं पे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, साथ में बच्चे भी और पतिदेव भी। जैसा कि आपको मैंने बताया ही था ना कि ये जो डाइनिंग टेबल होता है ना, परिवार को बांध के रखने का काम करता है, तो हमारे यहाँ पे तो ये बहुत ही ज़्यादा डीप में हो रहा है। और फिर यहाँ पर भी बच्चे खाना खाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें गिराई होती हैं। तो ये अभी आपको दिखा, मेरा साफ़ सफाई का काम चला ही था, बाहर आकर के देखा ना तो ये देखो, मेरा ऐसे प्लान था कि ये देखिए मैंने टेबल भी रख दिया था कि यहीं पर हम बाहर केक वगैरह काटेंगे, लेकिन देखिए भगवान को ऐसा मंजूर नहीं था और बारिश लगी अचानक से ही, मतलब ऐसा कोई प्लान नहीं था, बड़े बड़े गहरे गहरे मतलब बादल भी नहीं आए हुए थे, लेकिन फिर भी। तो चलिए अभी सारा का सारा मतलब जो मैंने सोचा था ना वो सब बर्बाद हो गया, वो सुबह ही से लगी हुई हूँ मैं अभी तक भी सफाई के काम में। तो ये भी चमकाया था लेकिन अभी गीला हो गया सब कुछ। तो जैसा कि अभी आपने देखा बारिश हो गई है तेज़ वाली स्टार्ट, ठंड भी हो गई है, और मैंने लगाया था यहाँ पानी नहाने के लिए। वैसे एक बार तो मैं मॉर्निंग में नहा धो के पूजा वगैरह मृदुल से करवा के फ्री हो तो गई थी, लेकिन फिर से साफ़ सफाई के काम में धूल वगैरह हर एक चीज़ करते हुए फिर से वही वाली हालत हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए जैसे क्लीनिंग का काम कंप्लीट होगा तो नहा धो के फिर से पहुंच जाऊंगी किचन में। और अभी किचन में पतिदेव तो काम कर ही रहे हैं, एक्चुअली पनीर और राजमा वही बनाएंगे, बाकी जो बच जाएगा फिर वो मेरे हिस्से का है। तो जब तक मेरा क्लीनिंग का काम चला हुआ था तो पतिदेव वो वाला काम कर रहे थे। तो बच्चों ने खूब धमाल मचा के रखी हुई थी, गाड़ी वो बार बार यहाँ लेके आ रहे थे, तो यहाँ पर भी फिर बार बार ना ये चीज़ें गंदी हो रही थी। इसके बाद फिर तैयार होकर के मैं पहुंच गई हूँ किचन में। अभी कंघी तो मैंने नहीं की थी, बस बाल नहीं धुले क्योंकि जल्दी में थी और सूखने नहीं थे। और फिर यहाँ पर भी जो भी मेरा काम था बच गया था मेरे हिस्से का, वो सारा मैंने किया। हाँ, बीच में मैंने पतिदेव की हेल्प भी करवाई है, ऐसा नहीं है, मटर छिले थे और भी बहुत सारी चीज़ें। तो बस यहाँ पे जो छोटे मोटे बर्तन हुए थे इकट्ठे उनको मैं धुल रही हूँ, और रेसिपी आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में ही शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि आज ना ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो जितना भी हमने खाना बनाया था वो डिटेल में ही मैंने वीडियो भी बनाया था, क्योंकि आपने पिछली बारी जब हमने शानवी का बर्थडे के टाइम पे आपने बोला था कि अच्छे से डिटेल में बताना जो भी आप खाना बनाते हो,
तो इसीलिए फिर अगर मैं वो सारी चीज़ें ऐडअप करती तो फिर लंबा हो जाता ब्लॉग, इसलिए फिर उसको नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर एडिटिंग हो जाती है तो आज के आज ही मैं शेयर कर दूँगी, लेकिन अगर नहीं हो पाई तो फिर आपको कल ब्लॉग मतलब वो वाला मिलेगा। तो बस यहाँ पर फिर जो बर्तन वगैरह इकट्ठे हो रखे थे वो सारे मैंने क्लीन किए, और जब इस तरह से पार्टी वगैरह का होता ना, इस टाइम पे मैं आपको अपनी सही बात बताऊँ, बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी, क्योंकि हर जगह मैंने फिर हाथ से ही, ऐसा लगता है ना हमें कि अगर हम हाथ से पोछा कर रहे हैं तो हम बहुत जल्दी में कर लेंगे, मतलब फटाफट से मारा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, टाइम उतना ही लगता है। इसके बाद फिर मेहमान हमारे आ गए हैं, और ये इंट्रोडक्शन पतिदेव ने अपने चैनल पे ही करवाई है, तो बाकी सारा मतलब ये ब्लॉग आपको वहीं पे देखने को मिलेगा। तो हमने ना ये पार्टी शाम के टाइम पे ही रखी होती है, क्योंकि मृदुल हमारा 3 से 4 बजे के आसपास पैदा हुआ था, तो उसी टाइम पे फिर हम केक कटिंग वगैरह का भी करते हैं। पार्टी ऐसी होती है बहुत ही सिंपल सी, तो केक काटने के बाद फिर थोड़ी देर बैठ के हमने गपशप की, तब तक फिर डिनर का टाइम भी हो गया था, तो लगभग 7 बजे के आसपास का टाइम था। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि शिफ्टों में हमारे मेहमान आए थे, तो पहले मैंने बच्चों को ही खिला लिया और इसके बाद फिर बड़ों ने खाया। तो मेरे लिए भी ना डाइनिंग टेबल के आने से ये थोड़ी सी सहूलियत हो गई कि यहीं पर फिर मैंने सबको खाना भी खिला दिया।
बहुत 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 बह
कुछ नहीं करनी है। तू आई वन कराना है। हां बेटे आराम से बात कर। चलिए चलिए चलते हैं अभी चलिए। ले ले तू चाबी है रे ले। हां चल तो चल 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 हां चल तो चला तो सही। अच्छा कर रखो हां पकड़ो भाई। अच्छा चल चलिए हां गाड़ी में बैठ कैसे देखो हां बैठ ही नहीं करना कैसे यहां बैठ के देखो गुआरों की ढेर पड़ी हुई है। कितने हुए कितने नाप नहीं इधर ये मिठू मेरे को सिखला दे नाना भाई नाना सिखला दे। हां कैसे कैसे बैठते हैं अच्छे कामला की गुठी हवा अच्छा फिर कैसे घुमाना है इसको अच्छा तो नाना आप कब आएंगे हमारे घर सैटरडे को तो पप्पी तो ले खिला दिए ना मेरे को नाना अब मेरे को पप्पी दे दे तो भाई मैंने आप बर्थडे की हैप्पी बर्थडे मैंने भी लेनी है मैंने भी लेनी है तो किस साइड से लूं इस साइड में क्या है बोले फिर कुछ फिर खाना जो भी हमने बनाया था वो नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। तो अगर कोई चैनल पे नया आया हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लेना, तभी नेक्स्ट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलेंगे। और बस आज के ब्लॉग की फिर यहीं पे एंडिंग करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।